आज से लगभग 5069 ईयर पहले। कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, और इस वीडियो में तुम्हें देखने को मिलेगा बदनसीबी क्या होती है। खैर वो तो हर वीडियो में दिखती है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही है। चलो भाई। तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग, अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। अब इस बार हम जाने वाले जादू शक्तियों की नगरी में, काली जादू शक्तियां। और यहाँ पे उतारने का प्लान हमारे अरुण भाई का था, वही अरुण भाई जो कि बहुत ही फेमस हुए थे बहुत दिन पहले। किल तो आपका हो ही गया होगा, ये उनका डायलॉग है ना, सिग्नेचर। अब सच बात तो ये है कि ये लैंडिंग करने में लेट हो गया था, और मेरे गुस्से के प्रकोप से बचने के लिए उसने कहा कि भाई हम काले पे कूदेंगे, वहां पे मेरे कुछ ज्यादा किल हो चुके थे तो इसलिए मेरे को बहुत पसंद है। वैसे तो बचपन में मेरे को एक नाली में 100 रुपए मिले थे, तो क्या मुझे वो नाली बहुत पसंद है? और वीडियो के शुरू में स्पॉन्सर को निपटा देते वरना बाद में फालतू में डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं। क्या आप BGMI टूर्नामेंट खेल के रोज के 50,000 तक जीतना चाहते हैं? भाई। तो ये वाला ऐप है सो स्ट्रॉन्ग, जो कि 100% ट्रस्टेड है और 8 करोड़ की विनिंग अब तक बांट चुका है। सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पर काफी टाइप के टूर्नामेंट मिलते हैं। स्पेशली यहाँ पे एक इंस्टेंट टूर्नामेंट है जहाँ पे 0 वेटिंग टाइम होता है, और इसमें कस्टम रूम की जरूरत ही नहीं है। बस अपना क्लासिक रैंक मैच खेलिए जैसे रोज खेलते हैं, और सो स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली आपके किल्स को डिडक्ट करके आपको पैसे दे देगा। तो यहाँ से रोज BGMI खेल के पैसा जितना बिल्कुल गारंटीड है, और सो स्ट्रॉन्ग की एंटी चीट इंडस्ट्री में बेस्ट है। सो स्ट्रॉन्ग का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड करो, और पहले 1000 लोगों को मिलेगा 600 रुपए का बोनस, जिससे आप टूर्नामेंट भी खेल सकते हैं। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और इसमें आप जितना भी पैसा जीतते हैं उसको आप गूगल पे, पेटीएम, UPI के थ्रू तुरंत विड्रॉल कर सकते हैं। खुश हुआ। तो देर किस बात की, फटाफट डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में पिन है। खैर यहाँ पे उतरते हैं, मुझे शार्क जैसी गन और ये UMP-45 मिल चुकी थी, तो लगता है घुसाना ही पड़ेगा। अब मैं इस बड़े से महल के अंदर जाने की कामयाब कोशिश कर रहा था, लेकिन जाते जाते मैं ये क्या देखता हूँ, मेरा टीममेट घपाघप एक बंदे को परसा दे दिया और दूसरे को भी देने वाला है। लगता है इसका अंतिम समय आने वाला है। इस पे मॉलीगॉड का प्रकोप बरसा था। रुको, फेंको भाई थोड़ा सा मुजरे वाला बॉल फेंको, गपागप। चलो भाई, छी 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 भाई, कुत्ते की मौत मनाए बनता। एक तो हमारे टीममेट को नॉकआउट भी कर दिया, लेकिन मौत होगी भाई, क्योंकि मॉली बहुत खतरनाक होती है, और ऊपर से मेरी जानलेवा, एकदम लिथल। खैर अभी इसको मारने के बाद मैं अपने टीममेट को रिवाइव दे देता हूँ, और अब यहाँ से मुझे निकलना था, लेकिन मैंने कहा भाई मैप पे तो अपने को कम से कम 7 बंदे दिखा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे अब भी कुछ बंदे बाकी है जिनको मारने के लिए मैं जाने वाला था भाई, लेकिन इन लोगों ने मुझे ऐसा मारा ना, मैं क्या बताऊँ। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग आ रही हो, क्योंकि मैं ना भाई रात में मुझे लगता है 1 बजे सोया था और 3 बजे उठ गया। मैं रिकॉर्डिंग करने बैठा था, लेकिन सीन क्या हुआ ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था यार। मेरा दिमाग जब खराब रहता ना तो मैं कमेंट्री नहीं कर पाता, जिसके वजह से मैंने जो रिकॉर्डिंग करी थी उसको मैंने डिलीट कर दिया और चुपचाप से सो गया। मुझे पता था जैसे मैं सोऊंगा उसके बाद में मेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। और क्यों खराब हुआ था ये तो तुमने पूछा ही नहीं, पूछो कमेंट में बताता हूँ। खैर मैं वहां से निकल के यहाँ आता हूँ, और मुझे नीचे से फुटेज दिखा रहे थे, तो मैंने कहा भाई कम से कम यहाँ पे 3-4 बंदे और एक ही टीम के, जिनमें से घोंचू नेता बनने की कोशिश कर रहा था। भाई खज्जू भाई, हम क्या इधर खज्जू को जाने बैठे? ओह शिट, बच गया भाई। ये घूंचू तो पता नहीं कहां से आ गया, मुझे लगा ये नीचे जाएगा, लेकिन तो ऊपर आ गया। खैर जो भी, यहाँ पे मैं बच चुका था, और मेरे टीममेट पता नहीं यार वहां से मुझे क्यों डरा रहे थे। आई थिंक मेरे को वो देना चाहते थे, क्या देना चाहते थे, कवर फायर देना चाहते थे। लेकिन भाई इनकी टीम का एक बंदा जो कि मेरे पीछे पड़ चुका है, वो चाहता है कि वो मेरे को एक गोली मारे और मैं मर जाऊँ, क्योंकि इसके टीममेट ने उसको बताया होगा भाई वो तो बहुत डैमेज है। ऑब्वियसली भाई डैमेज नहीं होता तभी बताती है, तो डैमेज होगा तो बताएंगी ना, है कि नहीं। इसलिए मेरी फट जाती है और मैं भाग के हीलिंग करता हूँ इस साइड आके। उसके बाद में जैसे उनकी तरफ बढ़ रहा था, तभी ये देखो क्यूट कैंपर भड़े, और ये रहे इनके दूसरे खिलाड़ी। भाई एक नीचे एक ऊपर, मस्त फील्डिंग लगा के बैठे थे, अगर इनके जाल में फंस जाता तो काम खत्म हो जाता मेरा। खैर इनको मारने के बाद यहाँ पे एक भी बंदा बचा नहीं था, और वो जो जीनी वाली लूट मिलती है वो भी ओपन हो चुका था। लेकिन भाई आज मैं तुम्हें अपने बचपन का किस्सा सुनाना चाहता हूँ। अब सीन क्या होता है ना, जब भी हम छोटे होते हैं बचपन में तो बहुत क्यूट होते हैं, मैं मानता हूँ। खैर कुछ लोग नहीं होते वैसे, धिक्कार है हम पर। लेकिन बात यह है कि छोटे होने के कारण हमारा दिमाग भी छोटा होता है, और हमारी बुद्धि का विकास थोड़ा सा रह जाता है, जिसके वजह से हमें किसी भी चीज की आदत बहुत जल्दी लग जाती है। और वैसे ही आदत मुझे लग गई थी, किस चीज की? थूकने की।
मैं इतना स्प्लिटिंग करता था भाई, मैं स्प्लिटिंग कोबरा बन चुका था। जहाँ दिखे जब दिखे मैं थूक देता था, कभी इस कोने में तो कभी उस कोने में, कभी उस कोने में तो कभी इस कोने में। ऐसा करते 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 महीना बीत गया। अब ये मेरी जो हरकतें थी, ये मेरे घर वाले भी देख रहे थे, वो भी मेरी इस आदत से परेशान हो चुके थे। एंड आई एम सॉरी अगर कोई खाना खाते हुए दिख रहा है तो, लव यू सो मच भाई। वो भी परेशान हो गए ना, और मेरे पड़ोसी लोग भी मेरे माँ बाप को बताने लग गए कि भाई तुम्हारा लड़का बहुत ही घिनौना है, ये कहीं भी किधर भी थूक रहा है। जिसके वजह से मेरे फादर को गुस्सा आया। और फिर एक दिन मैं कुएं से पानी लेने गया, पानी लेके मैं आ रहा था, और जैसे मैं थूका मेरे फादर ने मेरे कान के नीचे बजा दी। अब उन्होंने मारा तो मैं तांता बिच्छू की तरह नीचे गिर गया जमीन पे। और सारी लड़कियां जो मेरे मोहल्ले की थी, लड़कियां आंटियां जो कि सिर्फ तमाशा देखने के लिए खड़ी रहती है, उनको और कोई काम नहीं रहता, उन्होंने वो मेरा तमाशा देख लिया और वो मेरे ऊपर हंस रहे थे। जिसके वजह से भाई मेरा दिल टूट गया, क्योंकि बचपन में होता है ना, अभी तो झाड़ फर्क नहीं पड़ता वैसे कोई कितना भी हंसे, लेकिन बचपन में होता था। तो भाई मैं रोता रोता घर पे आया और बहुत ही भला बुरा बोलने लगा कि भाई मेरे को बहुत मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मेरी जिंदगी झंड हो चुकी है। तो मेरे फादर को भाई मुझ पर तरस आ गया और वो इमोशनल हो गए लिटरली। मैं रोने लग गया था तो वो इमोशनल हो गए और वो मुझसे थोड़ा सा प्यार से बात करने के लिए आने ही वाले थे, जो कि मुझे पता नहीं था। और वो जैसे मेरे पास आने लग गए थे, तभी मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए मटकी के पास गया। वहां से मैंने गिलास में पानी निकाला और पानी पीने से पहले एक बार फिर से मटकी के पास थूक गया। अब ये चीज मेरे फादर ने देख ली और उनको मैंने देख लिया ये देखते हुए, जिसके वजह से मुझे मेरी मौत दिख गई थी। लेकिन तभी मेरे फादर ने मुझसे कहा, अब देख भाई तू ऐसी घिनौनी हरकतें करता है और फिर कहता है मैं मारता हूं। तो उस दिन से आज तक मैं कभी भी नहीं थूका। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मुझे 2-4 महीने लगे थे वो आदत छोड़ने के लिए। और हाँ, मुझे पता है बहुत ही बोरिंग कहानी थी, लेकिन मेरे बचपन का एक किस्सा था तो मैंने बता दिया है कि नहीं। खैर, वहां से निकल के मैं स्कूल की साइड आता हूँ और भाई पता नहीं यहाँ पे ये बंदे लुंगी पे बैठ के क्यों घूम रहे थे, अलग अलग प्रकार की लुंगियों पे बैठ के घूमा जा रहा था। एक बार अगर मेरे चंगुल में फंस गया ना बेटे, तब मार मार के तेरी ऐसी चमड़ी उधेड़ूंगा जिंदगी भर सोचता रहेगा कि सांस कहां से ले और वाह 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 कहां से करे। क्या कह रहे? मेरे सामने घोंचू, उसको परसा देता हूँ। चल भाई, काली शक्तियों का इस्तेमाल। और ये रहा घोंचू। भाई इस बंदे को पता भी नहीं चला मैं इसके पीछे आ चुका था, लेकिन इसकी फट गई ना। कह रहे इसको मारने के बाद यहाँ पे एक भी बंदा बचा नहीं था, तो मैं उठाता अपनी गाड़ी और आता हूँ कोटे पे। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे घबाकर फुटिश टपाते है, इसलिए मेन बिल्डिंग पे रुकना बहुत ही खतरे से खाली नहीं था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आता हूँ। और तभी ये देखो आबा भाई, मुझे इतना गुस्सा है ना भाई, मुझे लगा सिर्फ यहाँ पे बॉर्ड था जिसके फुटिश टप आ रहे थे, लेकिन तभी इस बिल्डिंग से आते भाई जानवर की तरह फुटिश टप। उसके बाद में ही मेरी जान में जान आ गई। जिंदगी सवार दू, एक नहीं बाहर दू, दुनिया ही बदल दू। खैर, मुजरा करते करते मुझे एक बंदे के फुटेज आ चुके कि वो नीचे कूद गए और इसको लग रहा है कि मेरे को पता ही नहीं है। अबे घोंचू बेटा, जिंदगी जा रही मेरी गेम खेलते खेलते, कौन सा बंदा किस चोने में आई मीन किस कोने में छुपा है सब पता रहता है। और भाई इस वाले अपडेट में ये लुंगी बहुत ही अनोइंग है, किसी को भी किधर भी मिल जाती है तो किधर भी घूमता है, जैसे कि इसे ही देख लो। इसकी मेरे टीममेट ने लुंगी उतार दी थी तो मैंने इसकी चड्डी भी फाड़ दी। अब तुमको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन तभी ये देखो इस बंदे को मैंने अभी मारा ना, इसकी टीममेट आ चुके सामने। तो मैं यहाँ पे हार्ड स्कोप लेके बैठ जाता हूँ, जिसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। और ये देखो IQ, खैर IQ वगैरह कुछ नहीं, मेरे को उसके फुटचे आ गए थे। और इस बंदे का नाम पढ़ के अगर कोई जरा सा भी हंसा तो याद रखना। हाँ, ये क्या नाम है, लंगड़ा लसन? लसन के भी पैर होते हैं क्या? देखना पड़ेगा, उसके तो चक्के होते हैं ना। कुछ भी नाम लिखते हैं भाई लोग, शर्म आनी चाहिए। खैर, अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका था और अब हम यहाँ से निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी ये देखो मुझे आता है पैराशूट का ये सिंबल, तो मैं समझ गया कि कोई जानवर यहाँ पे लैंडिंग कर रहा है। इसकी लैंडिंग पातल कर देता हूँ। चलो भाई, इतनी बकवास करने के बाद अपने 12 किलो चुके और अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि फाइनली कोई भी नहीं है, इसलिए मैं उठाता हूँ अपनी कलरफुल लुंगी और आता हूँ इस साइड।
अब भाई सच कहूँ तो इस लुंगी पे बैठना मतलब पागलपंती है। क्यों? क्योंकि एक तो उड़ने में 10 घंटे लगाती है, उसके बाद में नीचे गिरने में 10 घंटे लगाते हैं। अगर पैराशूट खोला तो पैराशूट से बंदा उतार देता है। बड़ी दुविधा है भाई, इसको चलाना मतलब चुतियापा है। और मेरे एग्जैक्ट सामने बंदे हो सकते थे, जिसके वजह से मैं इस लुंगी को फेंक दूंगा भाई, मतलब कि बैग में भर लूंगा। आजा भाई वापस आजा ना चल। और मुझे एक गाड़ी उठानी थी, लेकिन तभी ये देखो ऊपर से हमारी इस गाड़ी में भी फ्यूल खत्म। नहीं, गरीबी की रेखा के नीचे आ गए कि हम अमिताभ जी। और भाई यहाँ पे आते ही मुझे लगा कि बंदा ऊपर होगा, क्योंकि हमारी चड्डी के अंदर कौन ही छुपेगा। लेकिन तभी ये देखो ये घोंचू इधर ही पड़ा हुआ था। इतनी साइलेंट कैंपिंग कैसे कर लेते हो तुम लोग? खैर अभी जो भी हो, लेकिन इस बंदे को मुझे पर्चा देना ही पड़ेगा। एग्जैक्ट वो मेरे सामने ही है। उसने वो बॉल वगैरह फेंकने की नाकाम कोशिश करी, जिससे कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब मैं डोरेमोन का बॉल फेंकूंगा, डोरेमोन का चटपटा गोटा। अब यहाँ पे इनके दो बंदों को प्रसाद मिल चुका है, इसलिए मैं निकालता हूँ मौली और उसकी चड्डी के अंदर फेंक देता हूँ। ये बंदे खुद को बहुत ही खतरनाक समझ रहे थे, और ये थे भी, ऐसा उनको लग रहा था। खैर अभी इनको मारने के बाद मेरे यहाँ से निकलने का प्लान था, लेकिन तभी मुझे आते गाड़ी के फुटस्टेप। क्या मतलब क्या आवाज यार, कैसी बात कर रहे हो? गाड़ी के फुटस्टेप कैसे आ सकते? इसलिए मैं उठाता हूँ अपनी गाड़ी और उसी गाड़ी का पीछा करने लग जाता हूँ। वो बंदा ज्यादा से ज्यादा ब्रिज की साइड जाएगा, या फिर सामने वाला जो वेयरहाउस है उसके अंदर घुस सकता है। इन दोनों जगहों में से वो एक ही जगह पे होगा, इसलिए हम पहले देखते हैं इस वेयरहाउस को। और बंदा यहाँ पे होता भी है। और तभी ये देखो, ओरे मेरे पास चल बेटा, तुम्हें चल बेटा, बोल भारत प्रसाद की जय। अब भाई सच कराओ, इस बंदे ने मुझे बहुत मारा, मेरी फट चुकी थी, जिसके वजह से मैं यहाँ पे लैपटॉप पेलने में बिजी क्या हो गया। मेरे टीममेट देखो, अब एक किल चोरी होने के दुख से मेरे दिल के अंदर का दर्द बढ़ चुका था, तो मैंने कहा अपने टीममेट को रिवाइव दे देता हूँ। लेकिन तभी ये देखो, अबे भाई क्या कर रहा है, मर जाएगा ना वो। और भाई मेरे टीममेट इतने खतरनाक है ना, इनका जो दिमाग है वो बहुत ही जहरीला है। मेरे टीममेट बंदे स्पॉट करने में इतने माहिर है, मैं क्या बताऊं। अगर 10 किलोमीटर भी एक बंदा कैंपिंग कर रहा है ना, तो इनको बराबर पता चल जाएगा। जैसे कि यही देख लो, अब यहाँ से हम गुजर रहे थे, तभी हमारे भाई कहते हैं कि टंकी के पीछे बंदा है। ऊपर या फिर नीचे है, बताइए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे है क्या? ठीक है मैं देखता हूँ, अभी इसकी पेटी फोड़ देता हूँ मार मार के। अरे ये पेटी मेरे को बंदे जैसी लगी यार। क्या गाइस, तुम्हारे पास एक बड़ा सा पत्थर और मोटी रस्सी है क्या? रस्सी तो मैं भूल गया रे राजू। नहीं वो काम था मेरे को जरा। खैर इसमें मेरे टीममेट की कोई गलती नहीं है, वो पेटी भी वैसी है ना, एकदम कथिया कलर की, ब्राउन ब्राउन, लेट मी जली हुए। क्या खैर अभी वहां से निकल के मैं इस साइड आता हूँ, और एग्जैक्ट मेरे सामने 3-4 बंदे थे, तो मैंने कहा लगता है पर्चा देना ही पड़ेगा। अब पहले यहाँ पे कम बंदे बचे थे, अपने 16 किल हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा भाई सब मर जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, जिम्मा खेलेंगे यार। इसलिए मैं घपाघप अंदर की तरफ रश कर रहा था। अब यहाँ पे मेरा ये टीममेट गुस्से में घुस जाता है, और फिर वो बंदे इसके अंदर घुसा देते हैं लकड़ा। मेरे जो टीममेट है ना, ये इंसिन भाई, चंदू भाई, सयान, इन लोगों से मुझे बहुत डर लगता है कि मेरे किल चोरी हो जाएंगे। लेकिन ये वाले टीममेट से मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है ये दो बंदे नॉक करेंगे, उसके बाद में तीसरा इनको फिनिश डाल देगा। खैर अब यहाँ पे मैं मॉलीगार्ड बनता हूँ, और अब होता है मेरे साथ बहुत ही बड़ा स्कैम। ये देखो क्या बड़ा तुम्हें, और रुको जरा सबर करो, बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। तो और ये कोई झूठ मूठ का बहाना नहीं है, सच में मुझे ऐसा ही लगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे आया, मुझे लगा एग्जैक्ट मेरे सामने जो एनिमी है ये मेरा टीममेट है, क्योंकि उसके ऊपर ये 4 नंबर का साइन दिख रहा था। लेकिन जैसे इसने मुझे मारना चालू किया, मैं समझ गया भाई ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ में, और लसन दे दे इसने मेरे हाथ में।
भाई कितना अच्छा मैच जा रहा था, मम्मी के साथ बोल रहा हूँ इस बंदे की जिसने मेरे को मारा है, इतना अच्छा मैच जा रहा था, अपने आप 18 किल हो चुके थे, बंदे बहुत ज्यादा बाकी थे, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, नसीब में से की बात है, कभी इसके पास तो कभी उसके पास, हमारे पास तो कभी रहता ही नहीं। अब इसमें गलती तो मेरी थी, लेकिन इसका सारा ब्लेम मैंने वो अरुण भैया पे डाल दिया। अगर कांचा होता तो अरुण भैया का सारा खून चूस लेता। और भाई आज की मजदूरी करते पे खत्म, तब बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।